कासगंज में अधिवक्ता के अपहरण एवं निर्मम हत्या पर बरेली बार एसोसिएशन में रोष। आपको बताते चले, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए की अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। कासगंज में हुई अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या के विरोध में गुरुवार को बरेली बार एसोसिएशन ने प्रातःकाल से कार्य से वृत रहने का निर्णय लिया। बार अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने कासगंज में घटी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की अपनी मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में बरेली बार एसोसिएशन मृतक अधिवक्ता के परिवार के साथ है। वहीं जॉइंट सेक्रेटरी प्रशासन रोहित यादव ने अधिवक्ता साथी मोहिनी तोमर के निधन पर बरेली बार एसोसिएशन सभागार में दोपहर में सभी अधिवक्ताओं प्रदर्शन है। क्या मामला है? देखिए, हमारी एक महिला अधिवक्ता साथी अधिवक्ता थी जो कासगंज में, उनको उनका पहले अपहरण किया गया कचहरी के पास से और उसके बाद जो है उनकी हत्या की गई। आज उनकी मतलब रात को जो है उनकी लाश बरामद हुई थी और नदी के पास से। और सबसे बुरी बात इस पूरे प्रकरण में ये है कि ये 5 किलोमीटर का जो एरिया है जो जिला न्यायालय के, उसी के क्षेत्र में वो लाश बरामद हुई है। और बहुत रोष इस बात को लेकर जिस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है, वो बहुत बहुत ही शर्मनाक और जिस जो शब्द नहीं है मेरे पास इस कहने के लिए कि कितना बुरा उनके साथ व्यवहार किया गया होगा। उनका सर कुचला हुआ है और उनके साथ मतलब तमाम मतलब ना उनके शरीर पर कपड़े हैं ना कुछ है, मतलब इतना जघन्य अपराध है और जिस तरीके से अपराधियों ने उनको मारा है तो उससे जो है रोष है पूरे अधिवक्ताओं में। कासगंज नहीं, खाली कासगंज के नहीं, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता, बल्कि मुझे तो कहने में भी बड़ा अफसोस सा इस बात का हो रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अधिवक्ताओं के साथ ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, सरकार से तो हमारी पहले से ही, हालांकि ये है कि कोई मांग का सिर्फ इतना सही है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए, जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो और उनसे कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो हमारा पुरानी मांग है अधिवक्ता सुरक्षा की, वो तमाम जो चीज़ें वो लागू हों और एक्ट जल्दी से जल्दी पारित हों।